फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सिल्पीज किचन में। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत ज्यादा हेल्दी तरीके से बनाने जा रही हूँ। उसका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आपको बहुत जरूर पसंद आने वाली है। कम घी तेल में बनाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को स्किप करके ना देखिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते। आज की रेसिपी बनाऊंगी मैं अरहर की दाल से। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये दाल नहीं बना रही हूँ, पहले मैंने ये एक कटोरी दाल ली है। इसको अच्छे से धो लेते हैं। दाल को मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब मैंने यहाँ ले लिया है एक कुकर। इस दाल को इस कुकर में मैं शिफ्ट कर दूंगी। कुकर को कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ लिए हैं बहुत सारी वेजिटेबल। ये पम्पकिन यानी कि कद्दू, कैरेट यानी कि गाजर, बीन्स, लौकी, तोरई, ऑनियन, और मैंने लिया है यहाँ टमाटर। अगर टमाटर है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अरहर दाल को तुअर दाल भी कहते हैं। अब हम ये सारी सब्जियाँ इसमें हम शिफ्ट कर देते हैं। ये मैंने प्याज, गाजर, टमाटर, बीन्स, लौकी, कद्दू, और हाँ, आपके पास जो सब्जियाँ हैं, आप कोई भी जो आपको पसंद हो, सब सब्जियां इसमें आप डाल सकते हैं। साथ में डाल रही हूं मैं टमाटर। भैया टमाटर बहुत महंगे चल रहे हैं, आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसका मैं दूसरा भी तरीका बता दूं। प्याज लहसुन आप खाते हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। मैंने यहाँ 4-5 लहसुन की कलियां भी ली है। अब इसमें सब्जियों को डालने के साथ मैं डाल रही हूं इसमें एक जग पानी। 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ नमक, नमक स्वाद अनुसार डाली। 1 टी स्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। 2 पिंच डाल रही हूँ हींग। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। अब हम कुकर का लगा देते हैं ढक्कन और इसको चढ़ा देते हैं गैस। मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है फुल फ्लेम पर। इस पर 4-5 सीटी लेंगे। यहाँ हमने लिया है इडली का बेस। अच्छे से दाल को मैंने भिगाकर पीस कर रख दिया था। बहुत बढ़िया ये फूल के तैयार हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ इडली। अब हमको लेना है स्टैंड। स्टैंड को अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे जिससे इडली हमारी आसानी से निकल आए। इडली बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टैंड ही हो, आप इसको कटोरी में भी बना सकते हैं। कटोरी में भी बहुत बढ़िया तरीके से बनेंगी। मैं 1-1 चमचे इसमें डालती जा। अब स्टैंड को हम कर लेते हैं पूरी तरह से तैयार। मैंने थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा है जिससे इडली अब फूटे फूले तो आपस में एक दूसरे से ये जुड़े नहीं। गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने भगोना कढ़ाई, आप जो भी आपके पास स्टीमर है तो अच्छी बात है, मैंने उसमें इडली लगा दी है। देखिए कुकर पर सीटी आ चुकी है। मैंने कुकर को कर लिया है ठंडा। अब मैं इसे दिखाती हूँ एकदम बड़ी। आप टमाटर की जगह डाल सकती हैं इमली। मैंने इमली को भिगा कर रख दिया था। अब इसका पानी मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। यह प्रोसेस आपको इसी स्टेज पर करना। सब्जी हमारी खड़ी खड़ी ना रहे इसके लिए मैं यहाँ मैसर का प्रयोग कर रही हूँ। गैस पर हमने पैन रख लिया है। पैन में दिया है हमने 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी। आप ऑयल में भी इसका तड़का लगा। तड़का लगाने के लिए हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून राई। साथ में डाले लाल वाली सूखी खड़ी खाली लाल मिर्च, खूब सारे करी पत्ते, 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ सांबर मसाला। इस तड़के को डाल देते हैं सांबर से। अब मैं आपको सर्व करके दिखा। लीजिए बनकर तैयार है एकदम हेल्दी डिनर, कहिए ब्रेकफास्ट कहिए या लंच कहिए, एकदम हेल्दी तरीके से बनकर तैयार। 1 टेबल स्पून तेल में या घी में आप इसको कभी भी खा सकते हैं, कभी भी मन नहीं भरेगा। हम सबकी फेवरेट आज की ये इडली सांभर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।